एक ये हमारी गल है, देखो इसमें प्रायोरिटी दी हुई है, यानी कि ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना शॉर्टेस्ट जॉब है, ये अब दिया हुआ कि ये प्रोसेस इस टाइम पे होगा, यानी कि फर्स्ट पहले ये होगा, टू इसकी प्रायोरिटी, यानी कि दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये, ठीक है। तो इसका ग्रैंड चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले कौन सा बोल रहा है, P2 होगा, ठीक है, P2 होगा, क्या ज़ीरो से स्टार्ट हुआ, कितना टाइम लिया P2 ने, 1 सेकेंड, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, P5 होगा, ठीक है, P5 कितना टाइम ले रहा है, 5 सेकेंड, यानी कि 1 + 5 = 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर कौन सा प्रोसेस बोल रहा है, P1 होगा, ये कितना टाइम ले रहा है, 10, यानी कि 16 हो जाएगा, ये 10 + 6 = 15, अच्छा कौन सा था, P1 था, ठीक है। अब कौन सा प्रोसेस लेगा, P3 लेगा, ठीक है, ये 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सा है, 5 priority 5 है, यानी कि 5 पे ये होगा P4, ये कितना टाइम ले रहा है, 1, यानी कि 19। अब इसका एवरेज टाइम कैसे निकलेगा, वही ये इसका सिंपल है, एवरेज टाइम निकालना, 6 P1 ने 6 लिया था, ठीक है, P2 ने 0, वेटिंग टाइम लिख के एवरेज निकालते हैं, ठीक है। P3 ने 16, P4 ने 18, P5 ने 1, सही है, 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 से डिवाइड करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 8.2।